वालेकुम। आज हम बनाते हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। एक फ्राई पैन में 2-3 टेबल स्पून देसी घी लिया है। उसमें हमने थोड़े से बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता ये डालकर हम फ्राई करेंगे। क्या हमारा ड्राई फ्रूट रोस्ट हुआ है, फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। उसी फ्राई पैन में हमारा घी बचा है, उसमें हम एक खजूर डालेंगे। खजूर बहुत सॉफ्ट है। एक प्याली हमारा खजूर है, इसको भी हम वही घी में सॉफ्ट करेंगे। और खजूर हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए। हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किया है, उसको हम एक जिपलॉक बैग में डाल के ऐसा बेलन से क्रश करेंगे। खजूर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है एकदम, ये देखें मेल्ट हो गई है। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट को अच्छे से खजूर में मिक्स करेंगे। अभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। एक एक करके हम इसके लड्डू बनाएंगे। ज़रा हल्का ठंडा होने के बाद हमने इसके लड्डू बनाए। ये देखिए सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं। इसी तरीके से बनाएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।